गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा सैटरडे एक्टिविटी में आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम ड्राइंग के अंदर ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना सीखेंगे। बच्चों, कई बार आपने किसी वस्तु को देखा होगा और उसे देख करके उसे बनाने का प्रयास किया होगा, पर आप उसे उसकी तरह से बना नहीं पाए होंगे। उसका एक कारण ये होता है कि हम उसमें छिपी हुई शेप को नहीं पहचान पाते और उसका सही मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज हम शेप्स का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करें इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बना लिया। अब हम इस तरीके से इसे 3D इफेक्ट देखो। तो आपने कभी भी चेयर बनाई होगी ड्राइंग में, तो आपने सीधे उसे देख करके और बनाना शुरू कर दिया होगा, इसीलिए वो आपसे सही नहीं बनी होगी। आज हम इस शेप के माध्यम से चेयर बनाना सीखेंगे। देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। अब आप इस चेयर को देखिए, हमने इसे किस तरीके से बनाया है और ये जो आपने सीधा पहले बनाई थी इसमें और उसमें कितना अंतर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके हमने सभी कॉर्नर्स का अच्छे से ध्यान दिया है और इसकी शेप्स को अच्छे से पहचाना है, उसके बाद हमने इसे बनाना शुरू किया है। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन्हीं प्रकार की शेप से। हम एक सोफ़ा बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इस तरीके से इसे हमने 3D इफेक्ट दिया। जिस तरीके से हमने चेयर बनाते समय उसके कॉर्नर्स का और एंगल्स का ध्यान रखा था, इसी तरीके से अब हम सोफा बनाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार हम पेंसिल से शेडिंग करेंगे। और इसकी मेन लाइंस को डार्क करेंगे जिससे कि उसके कॉर्नर्स क्लियरली दिखाई दे। और ये देखिए, ये हमारा सोफ़ा रेडी हो गया है। जो अभी हमने रेक्टेंगल की सहायता से चेयर और सोफ़ा बनाना सीखा, अब हम कोई और शेप बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप साधारणतया ट्री इस तरीके से बनाते हैं, पर अब हम शेप्स के माध्यम से ट्री बनाना सीखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, ये हमने यहाँ पर सेमी सर्कल सी बनाया। अब हम पेंसिल से इन पार्ट्स को डार्क करेंगे जिससे वो पेड़ की पत्तियों के रूप में दिखाई दे। अब देखिए, यहाँ हमने सेमी सर्कल से ट्री बनाना सीखा था, पर सभी पेड़ इसी तरीके के नहीं होते, उनकी अलग अलग शेप होती है। तो चलिए अब हम ओवल से भी एक पेड़ बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये हमने ओवल शेप ड्रॉ की।
अब हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना देंगे और इन पार्ट्स को पत्तियों के रूप में चेंज करेंगे पेंसिल से इस प्रकार शेड देते हुए। अब हम इस प्रकार पेंसिल से शेड देंगे और उसे पेड़ के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पर एक ओवल से हमने ट्री बनाया, उससे पहले हमने सेमी सर्कल से ट्री बनाया और हमने रेक्टेंगल की सहायता से चेयर और सोफ़ा बनाना सीखा। बस आपको ज़रूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट में छिपी हुई शेप को पहचानने की। आप अगर शेप को सही से पहचान जाते हैं तो आप उसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से कुछ शेप से नए नए ऑब्जेक्ट बनाइए और मुझे भेजिए। थैंक यू।